हेलो एवरीवन, एंड इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिब्रिलिन्स के बारे में। दिस विल बी द पार्ट टू, ओके, पार्ट टू ऑफ जिब्रिलिन्स ऑब्लिक जिब्रिलिक एसिड, आप जो चाहें वो कह सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने बात कर लिया था, इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात कर चुके थे। इसके बाद बायोसिंथेसिस, बायो एक्टिव जिब्रिलिन्स कौन से होते हैं, केस स्टडी देखा था हमने, एंड साथ ही साथ हमने जो है दैट इज सिग्नलिंग पाथवे भी डील कर लिया था। आज हम देखेंगे दैट इज़ दी बायोलॉजिकल फंक्शंस, एज वेल एज कुछ क्वेश्चन हैं मेरे पास, वो भी हम आज डील करेंगे रिगार्डिंग दी दैट इज़ अ फाइटो हार्मोन सिग्नलिंग पाथवे। सो फंक्शनिंग में जाने से पहले कल का एक पोर्शन गलती से हमारे लाइक रह गया था रिगार्डिंग दी डिस्कवरी ऑफ जिब्रिलिन्स, ओके। तो जिब्रिलिन की एक्चुअली डिस्कवरी की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो जो एग्जामिनर्स होते हैं उनको भी बड़ा इंटरेस्ट आ जाता है ऐसे टॉपिक्स में, तो फिर हमें भी इंटरेस्ट दिखाना ही पड़ेगा, राइट। सो जिब्रिलिन्स प्रमोट स्टेम ग्रोथ एंड विल डिस्कवर इन रिलेशन टू वन डिजीज जिसका नाम है फुलिश सीडलिंग, ठीक है। तो एक्चुअल में जिब्रिलिन का डिस्कवरी फुलिश सीडलिंग नाम के डिजीज की वजह से हुआ था, और इसको हम बेकाने डिजीज भी कहते हैं। ये डिजीज राइस में देखी जाती है एंड फंजाई की वजह से होती है। तो देखा यह गया था कि एक राइस का प्लांट है, मतलब राइस का प्लांट था जिसमें कि फुलिश सीडलिंग नाम की डिजीज देखी गई, और उस डिजीज के कंडीशन के कारण क्या हुआ था, ये है फुलिश सीडलिंग का, ठीक है, फुलिश सीडलिंग डिजीज का ये है प्लांट, जिसकी आप हाइट देख रहे हो वाइल्ड टाइप के कंपैरिजन में इसकी हाइट बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। अब अगर किसी की हाइट ज़्यादा लॉन्ग होगी तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यस उसका प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगा, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, सिर्फ इसकी हाइट ही ज़्यादा रहती है। दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि फुलिश सीडलिंग डिजीज़, जिसे हम बेकाने के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आता है कि एक्चुअल में जिब्रिलिन को सबसे पहले दैट इज रिकॉग्नाइज किया था कुरुसावा ने, ठीक है, और इसके बाद इसको आइसोलेट करने का काम किया था यबूता एंड सुमुकी ने। अब ये जो नाम है थोड़े अटपटे जरूर हैं, बट गेट के फेवरेट होते हैं, साइंटिस्ट के नाम बहुत से पूछे जाते हैं। तो आई विल बी ट्राइंग कि फाइटो हार्मोन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं जो कि मेनली साइंटिस्ट से रिलेटेड है उसकी आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाए। तो जिब्रिलिन्स को सबसे पहले जो है दैट इज कुरुसावा ने आइसोलेट किया था, और बाद में इसको नाम जिब्रिलिन्स दिया गया यबूता एंड सुमुकी के थ्रू। और ऐसा क्यों नाम दिया गया, बिकॉज जो फंगस था उसका नाम था जिब्रेला फुजिको रोई। तो फंगस का नाम था जिब्रेला फुजिको रोई, वो कोई केमिकल सिक्रीट कर रहा था, उस केमिकल की वजह से जो राइस प्लांट था उसकी हाइट एब नॉर्मल तरीके से टॉल हो रही थी, यानी जरूरत से ज्यादा टॉल हो जा रही थी हाइट, और जिसकी वजह से क्या हो रहा था, फॉलिंग ऑफ, क्योंकि जितना ज्यादा लंबा, जितना ज्यादा हाइट में प्लांट होगा उतना ही ज्यादा वो जमीन पे गिरने के उसके चांसेस ज्यादा रहेंगे, जिसकी वजह से दैट इज लॉजिंग कंडीशन देखी जा रही थी जिसे हम कहते हैं फॉलिंग ओवर। और जो ईल्ड था, जो आप कह सकते हैं दैट इज उपज, वो भी रिड्यूस हो गई, ठीक है, ईल्ड में भी रिडक्शन देखा गया, और इसलिए नाम दिया गया दैट इज बेकाने, जिसे हम कहते हैं फुलिश सीडलिंग। तो अपीयरेंस के तौर पे देखा जाए तो कोई भी देखेगा तो उसको यही लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा दैट इज़ आप कह सकते हो कि प्रोडक्टिविटी देगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा दैट इज़ इसका ईल्ड होगा, लेकिन जब इसको देखा गया, इसके सारे सिम्टम्स देखे गए तो नहीं, ये सिर्फ अपीयरेंस में लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा ईल्ड देगा, लेकिन एक्चुअल में इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद दैट इज़ एफ फुजिको रोई, ठीक है, पहले जो एक्चुअल में जो है फुजेरियम फुजिको रोई जो है इसको बाद में बोल दिया गया, जिब्रेला फुजिको रोई जो फंजाई है उसको रीनेम करके आज के टाइम में लेटेस्ट तौर पे इसको बोला जाता है फुजेरियम फुजिको रोई। सो फुजेरियम फुजिको रोई एक्चुअल में बहुत से डिफरेंट जिब्रिलिन्स को प्रोड्यूस करा था, जिसमें से मोस्ट अबंडेंट था GA3, और आपको पता है GA3 इज अ टाइप ऑफ अ बायो एक्टिव जिब्रिलिन्स। तो ये जो डिजीज हुई थी जिसे हम कह रहे हैं मेनली बेकाने डिजीज या फिर आप कह सकते हो फुलिश सीडलिंग, इसमें GA3 का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा देखा गया था, और बाद में जो है देखा गया दैट इज फंजाई से इसको आइसोलेट किया गया और उसको नाम दे दिया गया, मतलब कि फंजाई में एक कंपाउंड था जो कि टॉल हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और इसी को बाद में जिब्रिलिक एसिड कहा गया, क्योंकि उसको फंजाई से आइसोलेट किया गया, स्टडी किया गया, और उसके बाद उसको नाम दे दिया गया जिब्रिलिन या फिर जिब्रिलिक एसिड बाय यबूता एंड सुमुकी।
नॉर्मल बेसिस पे कहा जाए तो प्लांट में सबसे पहला आइडेंटिफाई होने वाला जिबरेलिन कौन सा है, दैट इज GA1। ठीक है, लेट मी हाईलाइट दिस। प्लांट में सबसे पहले द फर्स्ट प्लांट जिबरेलिन्स टू बी आइडेंटिफाइड वॉज GA1। सबसे पहले आइडेंटिफाई GA1 को ही किया गया था, विच वॉज डिस्कवर इन द एक्सट्रैक्ट ऑफ रनर बीन सीड। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है अगेन, दैट इज गेट के लिए। करेंटली जो है मोर देन 136 जिबरेलिन्स अभी तक जाने जाते हैं, आइडेंटिफाई हुए हैं इन द प्लांट फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म में आपको जिबरेलिन्स का प्रेजेंस देखने को मिल सकता है। तो ये थी डिस्कवरी की कहानी, बिकॉज इस पे भी दैट इज गेट ने क्वेश्चन पूछा है, एंड बाई लाइक गलती से कल हमसे जो है ये स्लाइड मिस हो गई थी, एंड दैट इज वाई हमने पढ़ा नहीं था। बट यस, अभी हमने इसको डील कर लिया, इसके बाद वी कैन स्विच टू दी फंक्शन। तो अगर हम सबसे पहले बात करें फंक्शंस की, दैट इज जिब्रेलिक एसिड के फंक्शंस की, तो फर्स्ट फंक्शन आता है स्टेम का इलॉन्गेशन। अगर आप किसी प्लांट में GA1 का एप्लीकेशन कर देते हो, यानी जिब्रेलिक एसिड 1 का अगर एप्लीकेशन कर देते हो, अप्लाई कर देते हो, तो उस प्लांट की हाइट काफ़ी ज़्यादा टॉल देखी जाती है। ठीक है, तो इसी रंग से अगर कोई एक ड्रॉप शूट है, मतलब कि कोई एक ऐसा प्लांट जिसकी हाइट बहुत छोटी है, अगर उस पर, अगर मान लीजिए ये एक प्लांट था, तो अगर आपने इसके ऊपर जिब्रेलिक एसिड अप्लाई कर दिया, तो इसकी हाइट कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। मतलब कि ये अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकता है, यानी ड्रॉप शूट को ओवरकम किया जा सकता है अगर हम GA1 अप्लाई कर दें प्लांट में। तो नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज दी सीड जर्मिनेशन। तो जिब्रेलिक एसिड का वेरी ऑब्वियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सीड जर्मिनेशन में। अभी आपने देखा कि अल्फा अमाइलेज एंजाइम किस ढंग से जो है यहाँ पे काम कर रहा था, सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, राइट। अल्फा अमाइलेज का एक्टिवेशन भी कौन करवाता है, जिब्रेलिक एसिड। तो सीड जर्मिनेशन में भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा बोल्टिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। बोल्टिंग क्या होता है, कभी आपने रोजेट प्लांट देखा होगा। रोजेट प्लांट मतलब कैसे प्लांट, जैसे कि हो गया पालक, जिसमें कभी आप जो है स्टेम नहीं देखोगे, मैक्सिमम लीव्स ही रहेंगे। इसके अलावा हो गया कैबेज, ठीक है, उसमें भी लीव्स ही होते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं रोजेट प्लांट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लीव्स ज़्यादा पाए जाते हैं। तो वैसे प्लांट्स में अगर स्टेम का इलांगेशन करवाना है, हम चाहते हैं कि स्टेम का इलांगेशन हो जाए, तो उसमें हम जिब्रेलिक एसिड अप्लाई कर देते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है बोल्टिंग। यानी ये जो स्टेम का फॉर्मेशन हो गया रोजेट प्लांट में, इसे ही हम कहते हैं दैट इज बोल्टिंग। और ये बोल्टिंग कैसे होता है, दैट इज विद द एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड। बोल्टिंग जो है आपको देखने को मिल सकता है बेसिल्स में, बीट रूट में, स्पिनच में, ऑनियन में। जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा मार्केट में जो स्पिनच होते हैं, दैट इज पालक होते हैं, ऐसे तो नॉर्मल अगर पालक की बात की जाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दैट इज लीव्स ही पाए जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे जैसे कि होते हैं जब इनका लाइक सीजन नहीं चल रहा होता है, तो अगर हम खरीद के भी लाते हैं मार्केट से, तो कभी कभी उनके स्टेम बहुत ज़्यादा होते हैं और उसमें लीव्स का अमाउंट उतना नहीं होता है, तो वो कौन सा प्रोसेस रहता है, वो बोल्टिंग ही रहता है। यानी समहाउ उस प्लांट के अंदर जिब्रेलिक एसिड का सिंथेसिस ज़्यादा हो गया होगा, एंड दैट इज़ वाई वो बोल्टिंग प्रोसेस शो कर रहा है। नेक्स्ट होता है वर्नलाइजेशन। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्नलाइजेशन को रिप्लेस कर दिया जा सकता है जिब्रेलिन से, यानी जिब्रेलिन एक सब्सिट्यूट है। सब्सिट्यूट यानी अगर वर्नलाइजेशन ना रहे तो इसकी जगह जिब्रेलिन ले सकता है। यानी प्लांट को अगर कोल्ड टेम्परेचर की ज़रूरत है, तो उस कोल्ड टेम्परेचर को ओवरकम करने के लिए अगर आप जिब्रेलिन्स अप्लाई करते हो या जिब्रेलिक एसिड अप्लाई करते हो प्लांट पे, तो वो प्लांट फ्लावरिंग कर जाएगा अगर उस प्लांट को वर्नलाइजेशन की ज़रूरत है। तो जिब्रेलिक एसिड इज एक्टिंग एज अ सब्सिट्यूट और द रिप्लेसमेंट फैक्टर फॉर द वर्नलाइजेशन। यहाँ पे मैंने पिक्चर आपको दिखा के रखा है कि रोजेट प्लांट कैसा नजर आता है, ठीक है, एंड दिस इज अ ओवरऑल पिक्चर ऑफ बोल्टिंग। यू कैन सी हियर, यहाँ पे बोल्टिंग प्रोसेस देखने को मिल रहा है, दैट इज यहाँ पे स्टेम का फॉर्मेशन शुरू हो गया है प्लांट में। ओके, नेक्स्ट जो फंक्शन आता है दैट इज पार्थिनोकार्पी, ठीक है। पार्थिनोकार्पी ऑलरेडी आपको ऑक्सीजन में भी पढ़ाया गया था, सीडलेस फ्रूट को जनरेट करना इज व्हाट दी पार्थिनोकार्पी। तो सीडलेस ग्रेप्स जो हैं उनका फॉर्मेशन करवाया जाता है बाय एप्लीकेशन ऑफ अ GA3, दैट इज जिब्रेलिन्स। ओके, तो GA3 को अप्लाई करके सीडलेस ग्रेप्स देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, जो पेडिसल्स होते हैं, पेडिसल्स में भी इलोंगेशन देखा जाता है, ठीक है। व्हाट इज पेडिसल्स, रुकिए, जो नॉन बॉटनी वाले बच्चे हैं वो तो बोलेंगे मैडम पता नहीं क्या क्या पढ़ा रही हैं। पेडिसेल्स ये होते हैं,
मतलब कि अगर मैं एक यहाँ पे ग्रेप्स निकाल के दिखाऊं तो ये जिस स्टेम से या जिस टहनी से जुड़ा रहता है दैट इज व्हाट कॉल्ड द पेडिसल्स। तो सोचने वाली बात है कि अगर मान लीजिए दिस इज अ ग्रेप्स और यहाँ पे छोटे छोटे से पेडिसेल्स हैं, मतलब छोटे छोटे से स्टेम है जिसकी वजह से ये जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे कितने कितने ग्रेप्स देखे जाएंगे और ग्रेप्स का साइज कितना होगा? बहुत छोटा छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर इस पेडिसेल्स के साइज को बढ़ा दिया जाए, मतलब कि ये एक ग्रेप का लाइक पेडिसेल है, एक का साइज इतना है, एक का साइज इतना है, एक का साइज इतना है, मतलब ये रहा पेडिसेल, ठीक है, ये वाला पोर्शन रहा पेडिसल। तो ये जितना ज़्यादा इलॉन्गेटेड रहेगा उतना ही ज़्यादा स्पेस देगा दैट इज ग्रेप्स को ग्रो करने के लिए, और उतने ही साइज में इंक्रीज हो जाएंगे ग्रो दैट इज ग्रेप्स, क्योंकि उनको स्पेस ज़्यादा मिल रहा है ग्रो करने के लिए। और यहाँ पे छोटे छोटे पेडिसल्स में क्या होता है, एक एक ग्रेप्स को प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता है ग्रो करने के लिए, एंड दैट इज वाई वो छोटे रह जाते हैं। तो लार्जर फ्रूट को ग्रो करने के लिए पेडिसेल्स का इलॉन्गेशन ज़रूरी होता है, जिसे हम फ्रूट का स्टॉक कहते हैं, ठीक है, स्टॉक कहते हैं। और ये स्टॉक को इंक्रीज करने के लिए GA3 इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा दैट इज देखा गया है कि बोल्टिंग में हेल्प करता है कौन, सॉरी, बोल्टिंग में हेल्प करता है दैट इज दी जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। GA3 का एप्लीकेशन अगर आप कैबेज में करते हो, जो कि एक लॉन्ग डे प्लांट है, तो उसमें बोल्टिंग प्रोसेस देखा जाता है, उसमें भी आपको स्टेम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा माल्ट का प्रोडक्शन किया जाता है, माल्ट के प्रोडक्शन में मेनली GA3 का रोल देखा जाता है, ठीक है। इसका माल्ट का प्रोडक्शन के लिए जिब्रेलिन्स इंक्रीज द यील्ड ऑफ माल्ट फ्रॉम द बार्ले ग्रेन्स, बार्ले ग्रेन से माल्ट का प्रोडक्शन होता है, और माल्ट के प्रोडक्शन में स्पेसिफिक रोल होता है दैट इज GA3 का। माल्ट का आप कह सकते हो ये ग्रेन्स होते हैं जिसको कि नॉर्मली हम फूड सोर्स के बेसिस पे लेते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज फोटोमॉर्फोजेनेसिस को इफेक्ट करना। तो जीए क्या करता है, जीए मेनली फोटोमॉर्फोजेनेसिस को सप्रेस करता है, क्योंकि फोटोमॉर्फोजेनेसिस इज सप्रेस्ड इन द डार्क बाय जीए। तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस डार्क में ना हो इसके लिए जीए जो है फोटोमॉर्फोजेनेसिस को सप्रेस करता है। और सप्रेस कैसे करता है, जीए की दोस्ती जो है पीआईएफ से है, और आपको पता है पीआईएफ मैंने फाइटोक्रोम में पढ़ाया है, पीआईएफ मेनली स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस करवाता है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं करवाता है। तो जीए और पीआईएफ की अच्छी खासी फ्रेंडशिप है, मतलब दोनों एक साथ एक ही इफेक्ट के लिए काम करते हैं, इसलिए जीए को भी माना जाता है कि इट यूज टू सप्रेस द फोटोमॉर्फोजेनेसिस। इसके अलावा जिब्रेलिन्स फ्लावरिंग में भी हेल्प करते हैं। इनका मेनली काम क्या होता है, दे यूज टू एक्टिवेट अ लीफी जीन। अब लीफी जीन का तो नाम आपने पढ़ा होगा एबीसी मॉडल में, लीफी जीन आपको पता है क्या करता है, लीफी जीन जो है दैट इज इट इज अ फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन, यानी वेजिटेटिव पार्ट को फ्लावरिंग फेज में चेंज करने में काम आता है। और द एक्टिवेशन ऑफ अ लीफी बाय द जिब्रेलिन्स इज मीडिएटेड बाय द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर GAMYB विच इज नेगेटिवली रेगुलेटेड बाय द डेला प्रोटीन। तो लीफी को भी एक्टिवेट करवाने के लिए GAMYB वाला पाथवे ही लिया जाता है, जो मैंने अभी आपको सीड के जर्मिनेशन के केस में बताया था। और आप खुद सोचिए कि अगर बात करते हैं डेला की, ठीक है, तो जिब्रेलिक एसिड जो भी काम करेगा डेला क्या करेगा, उसका उल्टा काम करेगा। जैसे कि अगर मैं आपको यहां पे बताना चाहूं, अगर जर्मिनेशन की बात करें, सीड जर्मिनेशन की बात करें, तो सीड जर्मिनेशन कौन करवाता है, जीए करवाता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सीड जर्मिनेशन पे डेला का क्या इफेक्ट होगा, तो डेला सीड जर्मिनेशन को रोकेगा। क्यों रोकेगा, क्योंकि इट इज अ इनहिबिटर, राइट, इनहिबिटर ऑफ जीए सिग्नलिंग। जीए सिग्नलिंग की वजह से ही सीड जर्मिनेशन होता है, तो डेला तो रोक देगा। तो डेला का इफेक्ट जीए के अगेंस्ट होता है। तो अगर जिस चीज को जीए बढ़ा रहा है, जैसे GAMYB का ट्रांसक्रिप्शन दैट इज GAMYB के थ्रू काम अगर कर रहा है, तो डेला का काम क्या होगा कि इस GAMYB को रोक के रखा जाए। और कैसे रोक के रखता है, आपको पता है, प्रमोटर एरिया पे डेला बाइंड करके रखता है। ये वाला जो पिक्चर हमने देखा था, देखिए यहाँ पे प्रमोटर एरिया पे डेला बाइंड करके रखा है, तो GAMYB जीन तो यहाँ पे एक्सप्रेस ही नहीं होगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो आई थिंक हर एक छोटी छोटी चीज को आप यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट होता है ABA इनहिबिट GA। ABA और GA के बीच में एंटागोनिस्ट रिलेशन होता है, ठीक है। ABA जो है GA के इफेक्ट को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ABA डॉर्मेंसी मेंटेन करता है। डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है, सीड जर्मिनेशन नहीं होगा। तो अगर एक सीड जर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूँ कि अगर एक सीड का जर्मिनेशन हो रहा है, तो उसमें क्या फैक्टर होगा, आप ये कह सकते हो कि उस सीड में ABA का अमाउंट काफ़ी कम होगा,
और जीए का अमाउंट काफी ज्यादा होगा। अब इसको पूछने का दो तरीका होता है, ये गेट 2021 का मैं टिप्स दे रही हूँ मैं आपको। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको रेशियो के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है कि डोरमेंसी के लिए एबीए एंड जीए का रेशियो कितना होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए ऑब्लिक जीए एंड एबीए का रेशियो कितना होना चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर उल्टा भी आ सकता है कि जर्मिनेशन के लिए दैट इज ये रेशियो कितना होना चाहिए, सिमिलर ये रेशियो एंड ये रेशियो कितना होना चाहिए, हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो ये इस बार का क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट कि माइट बी आ जाए, मतलब प्रेडिक्शन के तौर पे अगर कहें तो हो सकता है आ जाए। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है।